पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए सनी पाजी ने भी अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उन्होंने बेताब फिल्म के जरिए अपना पहला कदम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रखा। पहली फिल्म के हिट हो जाने के बाद सनी पाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। भले ही धर्मेंद्र बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे और इस बात का फायदा भी सनी पाजी को हुआ, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब अपने पिता के खिलाफ ही सनी देओल हो गए थे और यहाँ पर सनी पाजी के आगे धर्मेंद्र को हार भी माननी पड़ी थी। मौजूदा समय की बात करें तो सनी पाजी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए 37 साल से ज्यादा समय होने को आए हैं। इन्होंने साल 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म बेताब सुपर डुपर हिट साबित हुई और इसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल, सनी और मंजिल मंजिल जैसी फिल्में की। ये सभी फिल्में साल 1984 के दौरान आई थी जो कि बड़ी डिजास्टर साबित हुई। ऐसे में सनी देओल का करियर काफी प्रभावित होने लगा था और उन्हें ये लगने लगा था कि शायद अब मेरा करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सनी पाजी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उस दौरान राहुल रवेल ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया और फिर वो कमाल कर गए। हालांकि इस फिल्म को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वह लीड एक्ट्रेस को लेकर अपने पिता धर्मेंद्र से भिड़ गए थे। बेताब फिल्म के हिट हो जाने के बाद सनी देओल ढेर सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन वैसे भी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में शुरुआती करियर में ही एक हिट पाने को वो तरस रहे थे। तब डायरेक्टर राहुल रवेल ने अपनी फिल्म अर्जुन में उन्हें बड़ा मौका दिया और ये फिल्म साल 1985 में रिलीज होती है। अर्जुन फिल्म से पहले सनी देओल की लगातार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही थी, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म बेताब ही एक सुपरहिट फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई करने वाली यह फिल्म साबित हुई। और इस फिल्म के हिट जाने के बाद तकरीबन 2 सालों के बाद अर्जुन आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को बनाने के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्चे थे, जबकि फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा भी गई थी। फिल्म ने तो उस दौरान करीब 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी किया था, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास रहा। यह फिल्म साल 1985 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों में से एक मानी गई। लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई सारे ऐसे भी रहस्य रहे जो मीडिया के गलियारों में खूब वायरल होते ही रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म में सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया रोमांस की थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी लाजवाब भी लगी। इसके साथ ही अर्जुन बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित रही, लेकिन पिता इसके खिलाफ थे और धर्मेंद्र इस फिल्म में किसी और अभिनेत्री को चाहते थे। इससे पहले सनी देओल और डिंपल ने फिल्म मंजिल मंजिल में एक साथ काम किया था और बताया जाता है कि मंजिल मंजिल फिल्म के दौरान ही सनी और डिंपल एक दूसरे के करीब आ गए थे और इन दोनों के अफेयर की अटकलें बॉलीवुड में काफी तेजी से फैल भी रही थी। ऐसे में दूसरी फिल्म में डिंपल के साथ जब आई तो उनके अफेयर की खबरें ने फिर सिर पकड़ लिया और लोगों का मानना था कि सनी पाजी अब डिंपल के प्यार में गिरफ्त हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर IMDB की रिपोर्ट की माने तो अर्जुन फिल्म की जब कास्टिंग की जा रही थी तब धर्मेंद्र ने डायरेक्टर राहुल रवेल को फिल्म में बतौर लीड उस समय की नई एक्ट्रेस पद्मनी कोल्हापुरी को फिल्म में लेने की सलाह दे डाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि धर्मेंद्र इस फिल्म में सनी के अपोजिट पद्मनी कोल्हापुरी को ही चाहते थे, लेकिन उनके बेटे सनी देओल ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड डिंपल कपाड़िया को कास्ट करने पर जोर दिया। आखिर में फिल्म में डिंपल ही सनी के अपोजिट नजर आई थी। बताया तो भी जाता है कि सनी देओल और धर्मेंद्र के बीच हुई बात पर जब पद्मनी कोल्हापुरी के कानों तक पहुंची तो वो काफी हैरान रह गई थी। वो दिन और आज का दिन पद्मनी कोल्हापुरी ने सनी देओल के साथ कोई भी फिल्म नहीं किया था। खैर, मौजूदा समय की बात करें तो सनी पाजी आने वाले समय में तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि गदर 2 के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद उन्हें तमाम बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आ रहे हैं और इन सभी फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर 2 और नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर इन दोनों अभिनेता सनी देओल खूब चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और इन सभी प्रोजेक्ट पर जल्दी सनी पाजी काम भी शुरू करने वाले हैं।